मुझे तो आश्चर्य, क्योंकि अमित शाह जी कितने चुनाव में क्या क्या आंकड़े दिए हैं, अब सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल चुनाव में कितना कहा था, हिमाचल चुनाव में कितना कहा था। हर इलाके में अमित शाह जी ऐसे आंकड़े देते हैं जो कभी हकीकत में नहीं होती हैं, और ये भी एक और उदाहरण है। तो मेरे ख्याल में जो भी अमित शाह ने कहते हैं ना, उसको आप डिस्काउंट कीजिए करीब 30-40%, और फिर देखेंगे कि क्या असलियत होगा। वो कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं स्टेजों पे कि एनडीए की सरकार बनी है, सातवां फेज के बाद और ज्यादा। देखिए, अगर आप असलियत में इतने कॉन्फिडेंट हो तो प्रधानमंत्री इस किस्म की बातें करेंगे? जो प्रधानमंत्री अभी उनकी डेस्परेशन दिखा रहे हैं, जो जिस किस्म की बातें वो तो कर रहे हैं कुछ 2-3 हफ्ते से, मेरे ख्याल में ये स्पष्ट है कि भाजपा पता किया कि उनके हाल बहुत बुरा होने वाला है, और इसलिए जो भी उनके मन में आते हैं वो लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि वो जरा सा डेस्परेट हो चुके हैं। मैं आपसे कहूंगा ये नहीं होने वाला है, भाजपा के हाल बहुत बुरा है और सरकार के बदलाव आने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के साथ हो रहा है, कल प्रधानमंत्री ने अमित शाह जी का इसका जवाब मैं दे चुका हूँ ना, ले लीजिए वहाँ से। सिंगल आई उन्होंने बोला कि इंक्वायरी होगी इसकी, ये इंक्वायरी जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए, पहली बात यह है कि राहुल गांधी कभी कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के बारे में जो ऐसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। हाँ, अरे वहां से क्या सपोर्ट, कोई वहां के कोई एक्स मंत्री कोई ट्वीट लगाया उसका मतलब हम समर्थन, हम किसी का समर्थन नहीं चाहते हैं। हम कहेंगे कि पाकिस्तान माइंड योर ओन बिजनेस, हम तो हमारी बिजनेस को हम देख रहे हैं। पर दूसरी बात है, ये कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी जो करीब 20 साल से कोई और प्रधानमंत्री नहीं गए पाकिस्तान, वो गए, और जो उसके बाद पठानकोट में जब हमला हुआ उसने किसको बुलाया देखने के लिए? पाकिस्तान के इंटेलिजेंस, पाकिस्तान के आईएसआई। तो इस किस्म के प्रधानमंत्री जो भरोसा किया पाकिस्तान को, वो अभी हमें आरोप दे रहे हैं? हमारी मर्यादा थी कि हमने ये सब नहीं बताया पहले, लेकिन प्रधानमंत्री इस किस्म की बातें करेंगे तो हम जवाब देना ही पड़ेगा हमें। यूपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि पीओके 6 महीने में ले रहे हैं हमारी सरकार। अरे 10 साल वो लोग सत्ते में है, पीओके कहां से ले आए? ये सब चुनावी जुमला है। आपको मालूम है कि चुनाव के वक्त वो जो भी मर्जी कहते हैं वो सोचते भी नहीं है कि क्या इम्पैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय फील्ड में। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि इस किस्म में बात ही करना। पीओके के बारे में कहने वाले चीन में क्या किया, जो हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, जो 2 फौज जाते थे और 45 साल से एक अच्छा समझौता से चल रहा था, अभी 26 पॉइंट में चीनी फौज आके बैठे हैं और हमारे जवानों को जाने का इजाजत नहीं दिया। और जब कोई जाने का कोशिश किया, 20 जवानों को ये लोग मारा दिया चीन। तो मैं कह रहा हूं कि उसको उसके लिए जवाब देने लायक नहीं है सरकार, और अभी पीओके के बारे में बोल रहे हैं। ये सब कैसे हम गंभीर बातें, हमारे चुनाव में इस किस्म की बातें करना बिल्कुल मेरे ख्याल में नॉनसेंसिकल है। नहीं यार, प्रधानमंत्री तो हमें कोई तकलीफ नहीं चुनने के लिए, लेकिन 26 पार्टी एक साथ मिलकर तय करेंगे ना, यहाँ तो कोई बता नहीं सकेंगे, क्योंकि चुनाव होने दो, रिजल्ट आने दो, और हम सब मेरे ख्याल में सारे पार्टियां, कई कई अनुभवी लीडर्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे नेतृत्व दिखाए हैं उनके उनके राज्यों में और उनके देश में, वो लोग सब तय करेंगे। आपको यह क्या चिंता है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप पार्टी के लिए वोट दे रहे हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़ी है, लेकिन अपना मोदी साहब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसे चला रहा है जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सब लोग एक व्यक्ति के लिए वोट देते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम पार्टी देखते हैं, उनको मूल्य देखते हैं, अलग अलग उम्मीदवार है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में, उसके बाद वो लोग कुल मिला के एक नेता को चुन लेते हैं। ये तो पहले भी हो चुका है कि 2004 में आपको जब वोट देने के लिए गए थे, आपको पता था कि मनमोहन सिंह साहब आएंगे? कभी नहीं। तो यही है कि हमारे देश में कोएलिशन सरकार ऐसे ही बनती है और अच्छा काम भी कर पाएगी। थैंक यू।